दिस वीडियो इज पावर्ड बाई कल्प मोबाइल किंगडम भोपाल, जहाँ पर आपको लेटेस्ट वैरायटी ऑफ स्मार्टफोन्स एंड स्मार्ट गैजेट्स देखने मिल जाते हैं। यहाँ से आप ODI प्रोडक्ट्स तो परचेज कर ही सकते हो, वहीं पर आपको TV, फ्रिज, LEDs, वॉशिंग मशीन की भी एक काफ़ी ब्रॉड वैरायटी देखने मिल जाती है। यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है सारे के सारे कम्प्लीटली रेप्यूटेटेड ब्रांड्स की तरफ से आते हैं एंड सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पे आप लोगों को अवेलेबल है। तो किस बात का वेट कर रहे हो, जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड अभी कॉल करके बुक करो अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स। कल्प मोबाइल किंगडम भोपाल। What's up guys? आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट Realme हेयर ड्रायर, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ था अराउंड एक या डेढ़ वीक पहले एंड मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ एंड टेस्ट कर रहा हूँ। आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको इसका एक अनबॉक्सिंग तो दूंगा ही, साथ साथ में दूंगा इसका एक डिटेल्ड रिव्यू, जिससे कि आपको पता लगेगा कि क्या आपको इस वाले हेयर ड्रायर को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो को पूरा देखना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर इस वाले चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकॉन, ताकि आपको आने वाले इसी तरह के वीडियोज़ नोटिफिकेशंस सबसे पहले देखने मिलते रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मजा आएगा, देखते रहिए। तो ये हमारे पास में Realme हेयर ड्रायर, जिसकी पैकेजिंग ये येलो कलर में काफ़ी बढ़िया लग रही है एंड अगर मैं बात करूँ बेसिक डिज़ाइन की तो काफ़ी ज़्यादा मिनिमल तरीके से इन लोग हमेशा से प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं। ODI मार्केट में सबसे बेस्ट पैकेजिंग है ये। अगर मैं बात करूँ राइट साइड की तो कुछ यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस मेंशनड है अबाउट इट्स फैन स्पीड, अबाउट इट्स पावर कंजम्पशन एंड हीट और स्पीड सेटिंग्स के रिलेटेड भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें नोट डाउन है, जिसको आप टाइम निकाल कर पॉज करके पढ़ सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ बेसिक यहाँ पर पैकेजिंग की तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे भी कुछ की स्पेसिफिकेशंस मेंशनड है अबाउट इट्स कैपेसिटी, अबाउट इट्स ड्राइंग टेम्परेचर और मिली एम पावर वगैरह से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मेंशनड है। पीछे की बात करते हैं फाइनली तो पीछे यहाँ पर कुछ यहाँ पर प्राइस वगैरह मेंशनड है, जैसा कि आप देख सकते हो एंड जो प्राइस मेंशनड है इससे कम में ये प्रोडक्ट आपको देखने मिलता है। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पूरा का पूरा नोट डाउन कैपेसिटी की तो डायमेंशंस और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशनड है। तो फाइनली हम लोग जो है बॉक्स को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर सबसे ऊपर हमें देखने मिल जाता है हमारा यूज़र मैनुअल कम वारंटी कार्ड। इसके अंदर आपको सारी की सारी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन मेंशनड है एंड साथ साथ में कैसे यूज़ करना है सारा कुछ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं एंड अब बात करते हैं अबाउट दिस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो है कम्प्लीट एक पैकेजिंग के अंदर हमें देखने मिल जाता है इसका एक हुड, जो कि आपको पता होगा ड्रायर के आगे जो हुड लगता है ये वो है। उसके अलावा ये जो हेयर ड्रायर है, अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं इस कम्प्लीट पैकेजिंग के साथ में। तो यार फर्स्ट लुक की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा पैकेजिंग है यार, बहुत ज़्यादा ही पैकेजिंग है एकदम से। तो ये जो है कार्डबोर्ड में पैक्ड है, फिर उसके बाद ऐसा ओके। तो ये जो है हमारा ड्रायर है एंड ये कम्प्लीटली एक कुशन मटेरियल के अंदर पैक्ड है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है। सो इसको फटाफट से हम लोग ओपन कर लेते हैं एंड देखते हैं भाई हमें हमारा ड्रायर कैसा देखने मिलता है। सो ओके, सो दिस इज़ दी प्रोडक्ट। ओ भाई काफ़ी अलग अलग सा डिज़ाइन लग रहा है, मतलब यूजुअली इस तरह के ड्रायर मैंने देखे नहीं है कभी। ओके, फ़ोटो से काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है देखने में, फ़ोटो में क्या ही कुछ समझ आता है। तो यहाँ पर जो है ये जो है हमारे पास स्पीड सेटिंग, ये हीट सेटिंग एंड कुछ इस तरह का पूरा डिज़ाइन है। फर्स्ट लुक की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह का आपको डिज़ाइन देखने मिल जाता है एंड बटन्स भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यूनिक तरीके से इन्होंने बना रखा है। तो ओके, सो रियलमी के कुछ प्रोडक्ट्स यार काफ़ी अलग ही लगते हैं एकदम, मतलब मार्केट में ऐसे कहीं प्रोडक्ट मिलेंगे भी नहीं जैसे रियलमी बना लेता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। एयर वेंट आप देख सकते हो ब्रास का मेड है एंड काफ़ी पतला सा लग रहा है एकदम, बट स्टिल इट्स लुकिंग गुड। अगर मैं बात करूँ रियलमी की तो पीछे ये जो है एक और एयर वेंट है जो कि आउट का है एंड ये भी काफ़ी बढ़िया हमें देखने मिल जाता है एंड इस तरह का जो एक लुक आएगा जब आप इसको पकड़ोगे। बात करें अबाउट इट्स केबल तो यार काफ़ी अच्छी खासी जॉइंट है एंड अगर मैं बात करूँ इसकी लेंथ के बारे में तो एक बार आपको खोल के ही दिखा देता हूँ। वैसे काफ़ी अच्छी लेंथ है, दूर से देख के ही पता लग रहा है कि काफ़ी बढ़िया अच्छी खासी लेंथ आपको देखने मिल जाती है इस वाली केबल में। एंड खाली लेंथ ही नहीं भाई, क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटा ये केबल आपको देखने मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। एंड ओवरऑल प्लग की क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट सी है, नॉर्मल हेयर ड्रायर्स से काफ़ी बेटर है। मतलब नॉर्मल हेयर ड्रायर्स में काफ़ी अलग तरह के प्लग्स आते हैं, काफ़ी पतले पतले प्लग्स आते हैं जो कि बार बार निकल जाते हैं, बट दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट आई थिंक। ओके, सो ये जो है कम्प्लीट प्रोडक्ट का हुड है एंड इसकी बात कर लेते हैं। ओके, सो ये जो है हुड है
एंड नॉर्मल हेयर ड्रायर्स की तरह आपको इस वाले हेयर ड्रायर में भी एक नॉर्मल सा हुड देखने मिल जाता है विथ नथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट, बट स्टिल हम इसको लगा के देख लेते। तो इसको आपको सिंपली इसे प्लेस करना है एंड थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके इसको जो है लगा लेना है। इस तरह का ये लग जाएगा नॉर्मली। एंड अगर मैं बात करूँ हुड के साथ में लुक की, तो यार काफ़ी बेकार सा लुक लगने लगा अब तो। एंड ये जो है कंप्लीट एक अनबॉक्सिंग वीडियो था। आगे बात करते हैं अबाउट इट्स रिव्यू, एंड रिव्यू में आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पता लगेगी जो कि आपको अनबॉक्सिंग में सच्ची में पता नहीं लग पाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट इट्स बिल्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। तो जब मैंने इसको बॉक्स से निकाला था तो मुझे इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया ऊपर से देखकर इसका डिज़ाइन, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी वायर की तो आप खुद देख सकते हो लेंथ भी काफ़ी अच्छी है एंड साथ साथ में जो थिकनेस आपको देखने मिलती है वो भी काफ़ी बढ़िया है। इवन जो प्लग की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी खासी देखने मिल जाती है। एंड नॉर्मली जो हेयर ड्रायर्स होते हैं उसकी प्लग की क्वालिटी काफ़ी ख़राब होती है, तो दिस वन इज़ वेरी गुड। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बिल्ड की, तो यार इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी यूनिक डिजाइन है। आपको नॉर्मली इस डिजाइन के हेयर ड्रायर्स देखने नहीं मिलते, काफी ज्यादा एकदम सिमेट्रिकल डिजाइन आपको देखने मिल जाता है। एंड अगर मैं बात करूं एयर वेंट्स की, तो उनका भी डिजाइन आपको कुछ न्यू टाइप का ही देखने मिलता है। कोई बंदा इसको दूर से भी देखेगा ना तो इसको ये प्रोडक्ट हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि इसका कलर ही इतना ज़्यादा ब्राइट है और इतना ज़्यादा वाइट है, इवन कैमरा कांट फोकस दिस प्रोडक्ट यार, बहुत ज़्यादा ब्राइट इसका कलर देखने में जाता है। इसका जो वेंट और बाकी सारी चीज़ों के एक बार बिल्ड और ड्यूरेबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो इसका कंप्लीट बिल्ड बाहर वाला मटेरियल है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इवन द वायर इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर बात की जाए वेंट्स की, तो वेंट्स यार प्राइस के हिसाब से मुझे थोड़े कमज़ोर लगे। अब ये मुझे ही लग रहा है या आपको भी लग रहा है ये कॉमेंट सेक्शन में बताना। एयरवेंट काफी ज्यादा पतला है, इवन ब्रास से बना हुआ है बट फिर भी काफी ज्यादा पतला है। बट अगर बिल्ड और ड्यूरेबिलिटी में 10 में से नंबर देने होंगे तो आई विल गिव इट अराउंड 6.5, क्योंकि कंप्लीटली जो डिजाइन है वो काफी बढ़िया है एंड बिल्ड भी उस हिसाब से काफी ठीक ठाक है। हल्की फुल्की जगह पर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, 19-20 का फर्क है। बाकी आप डिसाइड कर सकते हो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो इसके बिल्ड क्वालिटी के बिहाफ पे। सेकेंडली बात करें अबाउट इट्स पावर, तो इसमें जो है आपको 1400 वॉट देखने मिल जाता है एज पर दी बॉक्स मेंशंस, एंड 1400 वॉट के हिसाब से काफ़ी फास्ट है एंड काफ़ी बढ़िया अच्छा खासा पावर कंजम्पशन आपको दे देता है। इवन अगर आप इसको नॉर्मली एक अच्छे खासे टेम्परेचर पे भी यूज़ करते हो, लाइक मतलब जितने भी आपको इसमें दो टेम्परेचर कंट्रोल देखने मिल जाते हैं, अगर आप एक अच्छे से सिमेट्रिकल वे में उसको यूज़ करते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे इसके पावर से। बाकी मेरे हिसाब से तो काफ़ी नॉर्मल सा है एंड जिस प्राइस पे आता है उस प्राइस पे सारे जितने भी आपको हेयर ड्रायर्स देखने मिलेंगे 1400-1500 के अराउंड ही आपको जो है वॉट्स देखने मिल जाते हैं। किसी और हेयर ड्रायर की तरह इसमें भी आपको दो हीट और दो स्पीड सेटिंग्स देखने मिल जाती हैं। अब यार मेरी बात हो तो यार काफ़ी बढ़िया है, सेकेंड हीट वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है जिसमें काफ़ी जल्दी से जो है बाल काफ़ी अच्छे से सूख जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ फर्स्ट हीट वाले की, तो वो मुझे यूज़लेस सा फीचर लगा एंड बाकी काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे उसको पता नहीं, बट सेकेंड हीट वाला ऑप्शन काफ़ी बढ़िया है। और अगर बात करूँ स्पीड की, तो 1400 वॉट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया अच्छी खासी स्पीड आपको दे देता है और आवाज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं करता है। सो दैट्स अ गुड वे एंड दैट इज़ अ गुड पॉइंट टू इलेबोरेट, जिसमें कि मैं 10/10 दूंगा इसकी हीट और स्पीड सेटिंग्स को। इसके बॉक्स पे मेंशन है कि इसमें आपको 5 मिनट की जो है फास्ट ड्राइंग देखने मिल जाती है। अब यार फास्ट ड्राइंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, तो आप इसको फुल स्पीड पे 5 मिनट तक आराम से यूज़ कर सकते हो एज पर दी बॉक्स मेंशन। मैंने इसको यूज़ किया तो भाई 3-4 मिनट के बाद ये थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है, मतलब 3 मिनट के बाद ये बहुत ज़्यादा एकदम इसके एयर वेंट्स ऐसा लगता है कि अभी फट जाएंगे या फिर बस्ट हो जाएगा ये या ऐसा कुछ। तो मेरे हिसाब से तो भाई मत ही करना 5 मिनट, जैसा बॉक्स पे मेंशन है तो 5 मिनट करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज जो वायर की क्वालिटी वो काफ़ी बढ़िया है, हीट डैमेज को तो प्रोटेक्ट कर ही लेगी, लेकिन अगर इंटरनल कोई डैमेज हो गया तो भाई जिम्मेदारी कौन लेगा फिर आकर के। इसीलिए आप 5 मिनट तो भाई बिल्कुल मत करना, इसको अराउंड आप 3 मिनट तक कर सकते हो मैक्स टू मैक्स। बाकी यार थोड़ा यूज़ करो, बंद करो, थोड़ा यूज़ करो, वो काफ़ी बढ़िया रहता है मेरे हिसाब से। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा एंड मे बी इस वाले कॉमेंट सेक्शन में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने मिले कि भाई आखिर इसकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कैसी है एंड क्या ये वोल्टेज जो है इसको डैमेज करने के लिए काफ़ी है, मतलब अगर इस वोल्टेज पे यूज़ करते हैं तो फलाना फलाना कितने वोल्टेज तक ये डैमेज हो सकता है। तो मेरी बात मानो तो अगर आपके घर में एक अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी है तो यार ये डैमेज होने का तो चांस नहीं है। ओवरऑल इसके बॉक्स पे ज़रूर मेंशनड है कि इसके अंदर जो है आपको 240 वोल्ट तक की जो है वोल्टेज देखने मिल जाती है एंड आपको 50 से 60 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी देखने मिल जाती है।
तो नॉर्मली एवरेज होम्स में 30-35 फ्रीक्वेंसी होती है, एंड 50-60 अगर ये सपोर्ट करता है तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड अगर बात की जाए वोल्टेज की, तो वोल्टेज इसमें आपको 2-240 वोल्ट तक देखने मिल जाता है। तो 240 वोल्ट भाई आप कभी नहीं अचीव कर पाओगे, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ कम्प्लीटली सेफ इन यूजिंग होम्स। एंड जो घर का अगर इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है तो फिर तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। लेट्स कम टू आवर फाइनल पॉइंट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट। यहाँ पर मैं बात करूंगा अबाउट इट्स प्राइस एंड वैल्यू फॉर मनी। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, जिस प्राइस पर आता है उस प्राइस को ये कम्प्लीटली वैल्यू करता है या फिर नहीं, ये आपका क्वेश्चन होता होगा। तो यार जिस प्राइस पर ये आता है उस प्राइस पर सारे जितने भी हेयर ड्रायर्स आपको देखने मिलेंगे, अगर अच्छे ब्रांड के हैं फिलिप्स वगैरह के, तो वो उस प्राइस पर वो सेम की सेम चीज़ ही प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब जैसा ये प्रोवाइड कर रहा है वैसे ही वो कर रहे हैं, ये कोई नया नवेला ऐसा नहीं आया। बाकी अगर आपको एक क्लासी डिज़ाइन चाहिए, एक अच्छा खासा वाला वायर चाहिए, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो या इसको कंसिडर कर सकते हो। बट स्पेसिफिकली कि यार भाई ये बाकी उसे तेज़ दौड़ रहा है या ऐसा कुछ, भाई वैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि नॉर्मली जो चाओबा के, फिलिप्स के अच्छे वाले जो हेयर ड्रायर्स आते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर के सिमिलर सारे के सारे स्पेक्स लेकर आते हैं। तो ये कोई नया सा नहीं आया। बाकी वैल्यू करता है कि नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल से करता है। अगर आप इसकी तरफ जाते हो तो निराश नहीं होगे अपने पैसे को देख करके। तो यही था ये वाला वीडियो जहाँ पर मैंने आपको कंप्लीटली इसका अनबॉक्सिंग और एक डिटेल रिव्यू दे दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, लीव अ कमेंट बिलो कि आप आगे इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो या फिर नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।